विदेश में देसी हसीनाओं का टशन, कोई मिस कोई मिसेस, कोई प्लस साइज कोई जीरो साइज, ये नजारे हैं ग्लैमॉन मिस एंड मिसेस इंडिया 2024 के, जिसका फिनाले हुआ मलेशिया के कलांग शहर में। यह विंडम होटल जो कलांग में बन गया है इन हसीनाओं का घर, पर यहाँ पर होंगे फोटोशूट, यहाँ पर लगेगा फैशन का मेला, यहाँ पर हसीनाएं दिखाएंगे अपनी हुस्न का जादू, अपने टैलेंट का रंग। देश के जाने पहचाने जूरी परखेंगे इनका टैलेंट। मलेशिया और भारत के जाने पहचाने एक्सपर्ट्स इन्हें देंगे ब्यूटी मेकअप ग्रूमिंग और वॉक की टिप्स। और इसके बाद होगा फिनाले राउंड, जहां पर ये अपने नेशनल कॉस्ट्यूम पहनकर भारत का परचम लहराएंगी। और उसके बाद इवनिंग गाउंस में से इनमें से चुनी जाएंगी टॉप 3 फाइनलिस्ट, जो आगे जाकर ग्लैमॉन का परचम लहराएंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं कलांग मलेशिया, जहां व्हाइट ड्रेस और हाथ में सूटकेस लेकर ये हसीनाएं भारत से पहुंच गई हैं मलेशिया के खूबसूरत शहर कलांग में। पहले होटल में हुआ इन हसीनाओं का स्वागत। और शुरुआत हुई फोटोशूट के साथ। पहले वाइट ड्रेस में सबने अपना फोटोशूट कराया, इसके बाद हुआ इनका एक ग्लैमरस फोटोशूट, पहले कुछ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम में, उसके बाद इन साड़ियों में। इन साड़ियों को डिजाइन किया है भारत के मशहूर डिजाइनर माला मुंडे ने, और साड़ियों के दर्शन के साथ साथ इन हसीनाओं ने अपना देसी अंदाज भी दिखाया। इसके बाद था स्विमवेयर राउंड, जहां पर 21 हसीनाओं ने दिया अपने हुस्न और बोल्डनेस का परिचय। और उसके बाद किसी ने रिजॉर्ट वेयर पहना तो किसी ने स्विम वेयर, और खत्म हुआ इनका ग्लैमर से भरा पहला राउंड। दूसरे दिन की शुरुआत हुई जजेस के साथ ग्रूमिंग से। सबसे पहले मोहित कपूर जो इस शो को डायरेक्टर हैं, उन्होंने इन सबको वॉक करना सिखाया, बात करना सिखाया और इनकी क्लासेस ली। इसके बाद शो के ऑफिशियल ग्रूमर मोनिका भदौरिया ने इनके फिटनेस क्लासेस ली, और इसके अलावा इनमें कॉन्फिडेंस भरा और एक एक प्रतियोगी को ट्रेन किया। इसके बाद शो की ऑफिशियल डिजाइनर साइशा राजपूत ने इन्हें इवनिंग गाउन पहनने के टिप्स दिए। इसके बाद थी इनकी ब्यूटी और मेकअप क्लासेस। भाई मलेशिया की ब्यूटी एक्सपर्ट आइरीन ने इनको दी ब्यूटी के टिप्स, और उसके बाद मलेशिया की मेकअप आर्टिस्ट गुनावती ने इन्हें दिए मेकअप टिप्स।
इतनी सारी जानकारी के बाद अब गर्ल्स रेडी हैं और शो की शुरुआत हुई पहले टैलेंट राउंड के साथ। पर टैलेंट राउंड में किसी ने डांसिंग की, किसी ने सिंगिंग, किसी ने पोइट्री और सब ने अपना अपना खास टैलेंट दिखाया। और उसके बाद हुई पार्टी जहां पर ग्लैमोन के डायरेक्टर मंदुआ ने भी इनको ज्वाइन किया। इसके बाद जूरी मेंबर्स ने सब कंटेस्टेंट्स का पर्सनल इंटरव्यू लिया। फिनाले की शाम में एंट्री होती है मेन गेस्ट सिल्वी रोजर्स की। सिल्वी दिल्ली के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं और फैशन की दुनिया का बड़ा नाम है। सिल्वी ने भी इन लड़कियों को ढेर सारी टिप्स दी। और उसके बाद आया फिनाले का दिन जहां पर भारत और मलेशिया के ढेर सारे मेहमान आए हुए फिनाले में शामिल होने। फिनाले की शुरुआत हुई गणेश वंदना के साथ और उसके बाद पहला राउंड था नेशनल कॉस्ट्यूम का। फॉर द फर्स्ट टाइम मलेशिया में इतना बड़ा पैजेंट हुआ है जो ग्लैमोंस की। आई वॉज इन्वाइटेड एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज थे, वेरी वेल ऑर्गेनाइज और बहुत ही सिस्टमैटिक था। वॉट आई लाइक अबाउट द पैजेंट वॉज दैट द गर्ल्स वर वेरी वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रेव एंड वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल्स। ग्रूमिंग भी अच्छी थी। आई थिंक आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी मिस्टर एंड मिसेज मान। आई कंग्रेचुलेट देम फॉर पुटिंग अप सच अ गुड शो। बहुत ही अच्छे शो, बेहतरीन शो लगा है। एंड सबसे बेस्ट ऑफ लक टू द होल पैजेंट। आई विश देम ऑल द लक इन द फ्यूचर पैजेंट। सो दे कम टू बूस्ट द प्रॉब्लम, दे कम टू बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस, दे कम फॉर अस टू गिव देम दैट लव। तो हम उनको उतना प्यार और उतना समझाते हैं, उनको इतना ग्रूमिंग करते हैं कि अपना आप कितना कॉन्फिडेंट होकर निकलते हैं इससे, तो अपना आपको पूरा जिंदगी बदल जाती है। तो ये पैजेंट्स इसलिए होती है क्योंकि वी गिव द वुमेन मोर कॉन्फिडेंस विद द ग्रूमिंग, विद लव, विद पैशन। इट्स नॉट यर, देर नॉट स्कूल गर्ल्स, वी जस्ट गिव देम दैट लव। वो प्यार से सारे खेलने लगते हैं और ब्लूम विद दैट लव। इट्स ओनली लव, सिंपल इज दैट। नेशनल कॉस्ट्यूम के बाद सभी कंटेस्टेंट्स अपने इवनिंग गाउन में आ गई और सबको सब टाइटल्स दिए गए। To live for others, and I've always done something which inspires others. This competition gave me a belief to think about myself, to keep myself on pedestal and think what I like. और इसके बाद आई फिनाले की घड़ी जहां पर चुनी गई तीन मिसेज इंडियास और प्लस साइज विनर्स।
सास बहू बेटियाँ जुड़ गई, उसका पहले तो मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी बिकॉज ये दूसरा साल है हमारा उनके साथ, और विनर इस बार वही सास बहू बेटियाँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और ऑफकोर्स इनका बहुत अच्छा टैलेंट था जो इन्होंने अपना इंडिया को प्रेजेंट किया मलेशिया में आके, और विनर्स ऑफकोर्स एक ही होता है क्लास में, तो ये लड़कियों ने काम बहुत अच्छा किया है, एक टैलेंट इनका बहुत अच्छा था, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट मिस वर्ल्ड है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, बस कर दिखाया। ऑल माई ओडिया कम्युनिटी पीपल, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच ग्लैमॉन, थैंक यू सो मच मांडुआ मैम फॉर दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन कम फॉरवर्ड फ्रॉम आवर होम एंड शो केस आवर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मांडुआ मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली फॉर प्लस साइज कैटेगरी, बिकॉज वी नीड दिस कॉन्फिडेंस एंड ग्लैमॉन हैज गिवन दिस, एंड टू एवरी वुमन of this world who are in this category, you can do it, if I can do it you can do it too, so thank you so much. Aaj bahut mushkil tha, seriously mujhe samajh nahi aa raha tha ki bas jo judges ne inka talent dekha hai, jo inhone main inka talent aur cultures ke upar gaya hai, to I think jo winner nikle hain wo ye hamare top hain, aur in jo inhone 5 days mein I think inhone mera show bhi bahut late ho gaya, ek saal late hua hai, तो वेट भी बहुत किया है, तो उसका रिजल्ट आई थिंक आज आपको मिल गया है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन बिकॉज वेट करने के लिए आई एम सो सॉरी। और शो हमारा मलेशिया में हमने जो किया है वो रॉक हुआ है इस बार, मतलब हमेशा होता है पर इस बार हमारे टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, और विनर्स आपके सामने हैं। हाँ बहुत अच्छे से स्वागत होगा, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मिसेस मांडुआ मैम को कि मुझे इस प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सब चीज़, लेकिन ग्लैमॉन मिस एंड मिसेस में मुझे पार्टिसिपेट लेके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे गांव में सभी को बोलूँगी कि मैं इसमें पास हो गई हूँ बोल के, तो मैं सबको शेयर करूँगी। थैंक यू सर। तैयारी तो पक्की थी, लाइक आई डिड माई लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस, and thank you to Manta ma'am that actually there are, when we talk about the pageants there are very less pageants like plus sizes, so she has introduced us a beautiful thing for this, to that housemaker can also come out and prove themselves that they are the best and they can do anything in the world, so they can fulfill their dreams, so it's age doesn't matter I think, so that's great, thank you ma'am. It's been a wonderful journey, it's been 1 year as ma'am said, and we were waiting for this platform, and I have gone through various platforms, I have seen not gone through, I have seen every various platform, but I like Mandua ma'am very much, and I stick to that, I did not lose my hopes, and I was in touch with a team, the team is really wonderful, they helped us, they motivated us, they groomed us, they have done lots of effort, they have taken efforts for us, similarly we have taken efforts, and haar jeet to hoti rehti hai, I never thought about the jeet kind of thing, but I'm very happy having these many awards in my hand, because I just wanted to be myself and show my charm and be of friends, and basically I actually wanted to work ahead with Glamon, so that was my basic motto behind joining Mandua ma'am and coming on this platform. I'm excited, super excited. I'm looking forward for the next opportunity with ma'am. And my family, my husband and my son is here today, but not in this pageant, they are not present here. They are roaming around in Malaysia. They are exploring Malaysia. And definitely they are waiting for this good news, and I'm gonna share with them. My entire family at Mumbai is waiting for this moment, and I'm going to rock there, and there will be a party. Thank you. Thank you so much. I'm going to inspire everyone. Please come out and just, you know, just prove everyone that anybody can do anything. You know, sky is not the limit. And here, coming to this platform, I would like to thank Mandua ma'am. She's such a great soul. Really, I'm just thankful to ma'am and all the mentors who has just groomed us so well. I'm going to learn and I'm going to carry on forward with this. And I know everybody is looking forward for it, and I'm just thankful to Glamour. Really, really. Thankful.
आगे अब यही इनसे उम्मीद है कि आगे देखते हैं ग्लैमर को कितना लेके जाते हैं। हमारा यही क्वेश्चन हमेशा रहता है क्योंकि इसके बाद हमारा वर्ल्ड है, तो इनका वाइट कार्ड एंट्री है जो मिस और मिसेस हमारे जो मेन विनर्स हैं उनको वाइट कार्ड एंट्री में है किया जाता है, और ये हम इनसे ही पूछेंगे कि ग्लैमर को आगे कैसे लेके जाएंगे। हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है, आज रिजल्ट मेरे लिए बहुत टफ था, पर ऑफकोर्स विनर एक होता है और इनमें से ये दोनों दो हीरे निकले हैं हमारे, और हमने इंडिया का झंडा मलेशिया में फिर से दोबारा गाड़ा, पीछे हमने दुबई डाला था गाड़ा था, अब हमने मलेशिया में किया है। तो अब ग्लैमर के लिए तो यही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मोमेंट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। Initially, I was like there was one twist also today, and at the end of the day, when I got to know that we are going to take it internationally, and I'm the winner for that. Thank you very much. Thank you, Glamon. एक हीरे को परख सकते हैं, and that ma'am has done. So the entire credit goes to ma'am. Coming to Glamon, how I am going to represent my country to the rest of the world. When I have a mentor and a boss lady like Man ma'am, I don't think I need to worry much. All she is going to give me a list, I know, to do and not to do. Mostly I guess not to do will be more. Don't eat, don't do this. So I am going to give my 100% because now it is a matter of our country, and I will give my best. And one thing, there is a saying my son told me yesterday night just before he was about to sleep, that mama, remember, practice like you have never won and perform like you have never lost. So when you are practicing, keep practicing, don't think about winning. And when you are performing, when you are on stage, think you are the winner, you have never lost. And that mantra I took it with me today, and so here I am. Thank you very much. Thank you so very much once again, ma'am. I'm running a bit short of words because I believe that age is just a number when you want to do something. So this is for all the young kids over there, the Gen Z's and the other ones, the new generation coming up. All you have to do is work hard, because there are mentors who knows exactly whom to extract what. Once again, thank you, ma'am. Thank you, Glamon. I am going to give my best, and we gonna rock. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for Glamon. మ్యామ్ ఎంత చేశారు అంటే షీఈస్ లైక్ యూనో సో వెరీ స్వీట్ అండ్ వెరీ లైక్ ఐఎమ్ సో స్కేర్డ్ ఆఫ్ నర్వస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ క్వశ్చనింగ్ ఆన్సర్స్ బట్ షీఈస్ లైక్ నో బేటా యూ విల్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ ఐ కాంట్ స్పీక్ నౌ బికాస్ నో మై వర్డ్స్ లైక్ మై హార్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫీలింగ్ so graceful here, and I'm very much speaking Telugu, but Bollywood side I can't speak much more in Hindi, I can't speak much more like their languages and all things, but I'll speak Telugu very much. That also they are accepting, and they gave me this opportunity and they gave me this crown. I'm so happy and so glad to win this crown. Thank you, ma'am. Thank you so much. और सभी महानों के साथ कुछ इस तरह संपन्न हुआ मलेशिया कलांग में ग्लैमर मिस एंड मिसेस इंडिया 2024, जिसके नजारे लेकर आया है सास बहू और बेटिया। It's been 8 to 9 months that we were putting our efforts and energy for the Glamon season number 9, and finally we did it successfully. We did it. With a lot of blessing of all of jury. Special yes. Thanks to Mandua, जिन्होंने मेरे पे trust किया, ठीक है। उनके बहुत सारे अच्छे groomers रह चुके हैं, उनके present के लिए अच्छे show director elite one रह चुके हैं, and finally she given me this opportunity to be a part of this event, Glamon 2024 season 9, and बहुत मज़ा आया। डिफरेंट एक्सपीरियंस डूइंग अ शो इन मलेशिया, मैंने इंडिया में बहुत शोज किए हैं, बट आउट ऑफ इंडिया एज अ शो मैंने फर्स्ट टाइम किया है, राइट। आई हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स आउट ऑफ इंडिया, बट शो मैंने फर्स्ट टाइम किया है, एंड ग्रेट एक्सपीरियंस
बहुत लड़कियाँ अच्छी थी, वेरी कोऑपरेटिव. मैं सुबह सुबह भी बुला लेता था, कभी हम शाम को बुलाते थे, कभी लेट इवनिंग तक प्रैक्टिस करते थे. बट वट आई ऑलवेज से प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट, एंड आज हमने सारी वुमेन परफेक्ट कर दी. ऑल आर विनर्स फॉर मी एंड जिसने बेस्ट किया. And to be frank with me, it's been 5 years that I'm working with Glamon, and I'm really looking forward for the next year also. Now it has become a family bond thanks to Mrs. Mandua ma'am. Me too. Yeah, he's too. A new member in our family. Okay, so it was complete. I feel so emotional whenever I talk about Glamon because it's a family, and nothing could be better than this. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आपको पता है यहाँ का जो Glamon का culture है, it's like you are working with your family. घर वालों के साथ काम कर रहे हैं. मतलब मेरे को एक पहली ऐसी ऑर्गेनाइजर मिली है जिन्होंने मुझे हमेशा बोला है बच्चा हो जाएगा, बच्चा बच्चा बच्चा. इट्स लाइक आई एंजॉय दैट मोमेंट कि कोई मुझे बच्चा बोलने वाला है. अदरवाइज हमेशा सर 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 पेटली दिखा सर ये हो गया सर ये हो गया. एंड श्री धवन शाम को मिलेंगी विद द स्माइल, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा स्माइल के साथ. हमेशा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं. शी इज़ द वूमेन एंड आई मस्ट थैंक टू हर. थैंक यू सो मच मैम. ट्रस्ट मी, दे हैव चेंज्ड अ लॉट. Some contestants were like shed cages, किसी ने weight कम किया है, किसी ने walk नहीं किया है, and they groomed so well. Like our show director was there, I was the groomer and anchor, and completely they have changed completely. जिस दिन से उन्होंने start किया था and आज आप खुद ही winners देख सकते हैं, they are completely changed. I'm sure they are going to rock in future. They are, after all, they are Glamon product. Well, I always believe that we are all one. Meaning we all are Indians and we are united, and all the women out there, please come and support Glamon. And I tell you, this is a best backstage for y'all to show your talent, and at the same time y'all can come out with new things to help other women as well. Thank you. Very, very, very happy performance ke saath. It's not the beauty, it's a total personality jo theek honi chahiye. Isme number dene bahut mushkil hai. It's not easy. It's a very tough task. And you have to be fair, and obviously subconscious mein bhi hota hai, so you don't want to be unfair to anybody, and I'm glad the winner deserved it. Yes, I've been in Malaysia before. Abhi main February mein wapas gaya hu, and I love Malaysia. The people are very, very nice. It's a lovely city, and as a country, it's a great country. और आखिर में मलेशिया के ट्विन टावर्स में फाइनलिस्ट ने कराया अपना फोटोशूट इस वादे के साथ कि अब अंतरराष्ट्रीय पेजेंट्स में ये सभी भारत का नाम ऊंचा करेंगी. हेलो एवरीवन, इट्स सेना पात्रा हियर, ग्लैमॉन मिसेस इंडिया सीजन 9 एलीट विनर, एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट एन इंटरनेशनल लेवल. सुपर एक्साइटेड, हार्ड वर्क हैज स्टार्टेड, एंड वी आर गोना रॉक इंटरनेशनली ग्लोबली नाउ. साइनिंग इट ऑफ, ज़ेना पियर. Namaste India, I'm Rashmi Nayak, Glamon Miss India winner. Soon I'm going to represent our India worldwide. I'm the winner of Glamon Miss India 2024 plus size. So I'm very super excited now to go for present India as a global. Thank you so much. See you there. Hello everyone, I'm Neha from the city of Lampurago. I'm the second runner up of Glamon Season 9, and I'm going to represent India worldwide. Thank you. Hi, myself Hemlata Reddy, I'm from Hyderabad. I won this Glamon Miss India 2024 Season 9. I'm going now this Miss India say worldwide. Thank you. Hello everyone, I'm Mrs. Archana Naik from the City of the Dreams, Mumbai. My hometown Solapur Gurdwari taught me a cultural values, and my Karma Bhumi Mumbai gave me a thriving life. I'm proud to have won the first runner-up title at Glamon Mrs. India 2024 Season 9, along with the Mrs. Charming and Best National Costume Award. This journey has been a dream come true for me, but it wasn't easy. Every day came with its own challenges, and I had to push myself with hard work and determination. For me, pageantry isn't just about outer beauty. It is about embracing and showcasing your inner self. This platform allowed me to fulfill a lifelong dream and gave me a voice to connect with many people. My passion for giving back to the society is at the core of
who I am. And I'm grateful that this experience has provided an opportunity for me to pursue that in a new way. A heartfelt thank you to Ma'am Mandua and the entire Glamon team. Special thanks to Ma'am Monica Bhadauria, Mohit Kapoor sir, Amit Dua sir, and Jeet Gill sir, who have transformed my life completely, helping me grow not only physically but also by nurturing my inner beauty. This experience has truly shaped me inside and out. This achievement wouldn't have been possible without the unwavering support of my family and friends who stood by me every step of the way. This platform has given me the opportunity to combine my passion to giving back to the society with the fame I have earned. I have got a voice to speak for others, being a title holder, and create a legacy for next generation. I am excited to continue working with Glamon to elevate this platform even further, showing that pageantry is not just a beauty contest, it is a journey of complete transformation, both inside and out. I encourage all women not to wait for the right time, but to take the leap and experience this life-challenging journey. It is an empowering path that transforms your entire personality and outlook forever. Thank you so much. Hi, good morning from Kuala Lumpur. I want to wish Mr. and Mrs. Mandua the very best of luck for their show called Glamons, a beauty pageant for Miss and Mrs., of course, India. And the beauty of the whole thing is that it was a grand show and they had me as their jury. The best part was that it is such a beautiful show, grand, successful show. Now they're going worldwide and international, universal, for all those beautiful glamour girls to enter. Take care. Best of luck to you guys. And it was my great pleasure judging your show. Thank you for having me here in Kuala Lumpur, Malaysia. All the best to Glamon. अभी हमने Miss India complete किया है. अब इसके बाद हम एक अच्छा नया project लेके आ रहे हैं Glamon Miss and Mrs. Worldwide. जो worldwide है 149 countries से हमारे पास सुंदरियां होंगी, हमारे साथ associate होंगी. अभी तक हमारे साथ India से हुई हैं, अब worldwide होंगी. तो अब ये रॉक एक नया धमाका लेके आ रहे हैं. सो अभी तक आप सबने 9 सीजन से हमें प्यार दिया है, अब हम Glamon मिस एंड मिसेस वर्ल्ड वाइज लेके आ रहे हैं. थैंक यू इंटरनेशनल. अरे जितना लंबे ये टावर्स है, ये ट्विन टावर्स जितने लंबे है, इतने बड़े हमारे शो जाएगी. गॉड ब्लेस आवर शो, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी. बहुत अच्छा लगा मलेशिया, बहुत ये तो कमाल है, कुदरत की कमाल है, किस तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छे से बनाया है. इनकी कला तो बहुत ही दूर तक गया, पूरी दुनिया में देखी है. So obviously it's amazing architecture of mankind of today. Science has brought us a long way. अभी हमने Miss India complete किया है. अब इसके बाद हम एक अच्छा नया project लेके आ रहे हैं Glamon Miss and Mrs. Worldwide. जो worldwide है 149 countries से हमारे पास सुंदरियां होंगी, हमारे साथ associate होंगी. अभी तक हमारे साथ इंडिया से हुई हैं, अब worldwide होंगी. तो अब ये रॉक एक नया धमाका लेके आ रहे हैं. सो अभी तक आप सबने 9 सीजन से हमें प्यार दिया है, अब हम Glamon मिस एंड मिसेस वर्ल्डवाइज लेके आ रहे हैं. थैंक यू इंटरनेशनल. सो थैंक यू. ये अभी हमारे नए ऐड हुए हैं और आई होप सो इनको काम करके हमारे साथ अच्छा लगा हो. बहुत अच्छा लगा. और एके जी, अगर आपको अच्छा लगा है तो हम पेरिस पे साथ में चलेंगे नेक्स्ट शो में वर्ल्डवाइज में. और आई होप, आई डोंट नो कि फर्स्ट टाइम है, कोई गलती हुई हो तो. नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं मैम. और बहुत अच्छा लगा काम करके. एंड मेरा भी फर्स्ट मतलब ब्यूटी पेजेंट था आउट ऑफ इंडिया, मलेशिया. हम लोग ना एक हफ्ते से साथ में है. एंड मतलब एकदम कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं किसी और के साथ आया हूँ. ऐसा लग रहा था मैं कोई अपने पुराने फ्रेंड लोग के साथ आया हूँ. एकदम बहुत अच्छा लगा काम करके. एंड मैंने भी अपना बेस्ट दिया है. हम लोग दिन भर शूट करते थे, फिर अभी रात भर मैंने एडिट किया. मैं रात भर सोया भी नहीं हूँ. नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट. आई थिंक वो आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे, अभी आगे देखेंगे भी. और तारीफ में ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं जस्ट नॉर्मली बोलूँ, नहीं तो मैं तारीफ में बहुत कंजूस हूँ. मैं बोल देती हूँ, क्लियर मुंह फट बोलते हैं जिसको, वो मंदुआ है. पर बहुत अच्छा काम किया है अभी. और टच वुड, हम आगे साथ में मिलकर जाएंगे फैमिली में, Glamon की फैमिली में. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मैम. मलेशिया कलान से ब्यूरो रिपोर्ट.